देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। आज राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक किसानों मजदूरों के मसीहा पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया गया। आज उनको सभी राष्ट्रीय लोक दल किसानों मजदूरों ने और पदाधिकारियों ने याद किया। उनकी याद में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। संजय भास्कर, चतुर्भुज तरुण चहल, भगवान सिंह प्रजापत, बाबू जाटव, नरेंद्र शर्मा, पंकज निर्भय, यशवीर पटेल थानाड़ा, हुकुम सिंह गुर्जर, अनिल कनाबर थान सिंह आदि किसानों ने अपने विचार व्यक्त कर किसानों के मसीहा पर प्रकाश डाला। सत्यमेव न्यूज के लिए बयाना से देवी सिंह प्रजापत की विशेष रिपोर्ट। आज किसानों के मसीहा राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक चौधरी अजीत सिंह जी की दूसरी पुण्यतिथि है। हम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प चढ़ाकर उनको नमन और याद किया। चौधरी अजीत सिंह जी ने हमेशा किसानों मजदूरों की आवाज़ लड़ी। वो संसद से सड़क तक हमेशा किसानों मजदूरों के लिए संघर्ष करते रहे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे चौधरी अजीत सिंह जी को आज किसानों मजदूरों ने सभी ने मिलजुल करके उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प चढ़ाए तथा उनके कृषि मंत्री रहते हुए जो उन्होंने कार्य किए थे, किसानों के लिए समर्थन मूल्य लागू किया, गेहूं, सरसों, जौ, चना पर, बाजरे, सभी पर किसानों का समर्थन मूल्य लागू किया। इससे पहले किसी मंत्री ने आज तक समर्थन मूल्य लागू नहीं किया था। उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने चीनी मिल जो 25 किलोमीटर और 35 किलोमीटर थी उसको कम करके 15-16 किलोमीटर करवाया, उनका दायरा घटाकर किसानों गन्ना किसानों को राहत दी। उन्होंने किसानों मजदूरों के हित में अनेकों काम किए। वो जिंदगी भर किसानों मजदूरों के लिए संघर्ष करते रहे। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।